हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशी कृति। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ वुडन ज्वेलरी और आज मैं इसमें एक डिफरेंट आर्ट बना रही हूँ जिसे कहते हैं एपन आर्ट। ये एपन आर्ट है जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड की एक विशेष पौराणिक और पारंपरिक लोक कला है। तो ये एपन का मतलब होता है उंगलियों से ही आर्ट करना। अभी गांव में, जगह जगह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अलग अलग जगह पर यह पारंपरिक कला हाथों और उंगलियों से ही बनाई जाती है और इसे आप रंगोली भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने इसमें पेंट कर दिया है और अब हम इसे वाइट कलर से इसकी सुंदर सुंदर आउटलाइनिंग से सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे। तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर इस रंगोली को बनाने के लिए चावल से पिसा हुआ एक पेस्ट तैयार करते हैं और इसमें गेरू मिट्टी, हल्दी, जौ, रोली से भी इसे बनाया जाता है। वहाँ पर ये लोग ज़मीन, दीवार, दरवाज़ों, आंगन में भी बनाते हैं, अनेक अनेक तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ एक नेकलेस बना रही हूँ, तो उस नेकलेस में भी मैं एपन आर्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, वाइट एक्रेलिक पेंट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी शेप देकर कोई भी आप इसमें आकृति बना सकते हैं। तो इसमें मैं गणेश जी का चित्र बना रही हूँ। आजकल इसमें वाइट कलर यूज़ करते हैं लोग, पहले जैसे गेरू और चावल से पिसी हुई सफ़ेद रंग की ये इस तरह से पेस्ट बनाया जाता था, लेकिन इसकी जगह अब लोग इसे सीखने के लिए कलर्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप लकड़ी का इस तरह से स्क्वायर पीस लेके उस पर किसी भी तरह की आर्ट बनाकर इस तरह से बना सकते हैं। एपन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं जो डॉट से शुरू होते हैं। इस तरह से आप बहुत सुंदर खूबसूरत इस पर शेप दे सकते हैं। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे थ्रेड लिया है, तो ये कढ़ाई वाला थ्रेड है या आप रेशम का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 2-3 फोल्ड करके इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे बनाया है और इसमें अब मैं बीड्स लगाऊंगी। ये रेड एंड वाइट कलर के बीड्स इसमें अच्छे लगेंगे। तो आजकल वुडन ज्वेलरी का बहुत फैशन इन है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसका आप पूरा डेमो देखिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से और भी मैं वीडियोस लेकर आपके पास आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप देखते रहिए एंड तक।
Thank you.